हाय, मैं अक्षत कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं फिल्मी मीडिया, और ये वीडियो कागज़ 2 का रिव्यू है, पब्लिक रिव्यू। कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं आप? कागज़ 2। कैसी लगी मूवी? अच्छी है और इमोशनल तो बहुत है, और इसमें अनूप खेर हैं जो हम सब जानते हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, और सतीश कौशिक जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनकी ये लास्ट मूवी है, तो लोगों को ज़रूर देखना आने चाहिए। तो मूवी और स्टोरी मूवी में जो टॉपिक उठाया गया वो नॉर्मल है, लेकिन उससे जिस तरह से पेश किया गया है ना, वो काफ़ी इमोशनल है, तो लोगों को काफ़ी इमोशनल मूवी लगेगी, तो लोगों को देखनी चाहिए। कितने स्टार्स? 4। मैं देख के आ रहा हूँ कागज़ 2। कागज़ 1 तो बहुत अच्छी थी जिसमें पंकज त्रिपाठी थे, लेकिन कागज़ 2 भी काफ़ी अच्छा दिखा। इसमें एक बाप बेटे की स्टोरी और कैसे एक समाज को मैसेज दिया गया कि पॉलिटिकल जो पार्टियाँ होती हैं उनकी रैली की वजह से इंसान की जान चली जाती है, एम्बुलेंस पास नहीं हो पाते, केस चलेगा। सतीश कौशिक की एक्टिंग हमेशा से अच्छी रही है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन वो बॉलीवुड के जो हैं वो एक लेजेंड है, और उनके अभिनेता एज उसे हम हमेशा याद रखेंगे। कितने स्टार्स? 5 में से 4। सो गाइस, फिल्म देखिए कागज़ 2, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फिल्म मस्ट वॉच है, क्योंकि इसमें सतीश कौशिक जी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हुआ था अभी रिसेंटली, खबर में मैंने सुना था, और ऐसा बहुत दुखद खबर थी। खैर, उनका काम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। वहीं बात करूं मैं अनुपम खेर की, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो भी इनके फ़ैन हैं पता ही होगा कि ये अनुपम खेर जी और सतीश कौशिक जी जो हैं वो बहुत कमाल के दोस्त रह चुके हैं, तो बहुत रोए भी थे जब उनकी डेथ की खबर सुनी थी सतीश कौशिक जी की। सो बात फिल्म की करूँ तो अनुपम खेर और सतीश कौशिक की केमिस्ट्री जो है फिल्म में वो बहुत अच्छी लगती है। कितने स्टार्स? 5 में से मैं इस फिल्म को 4 स्टार दूंगा, मुझे अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा है फिल्म का, ऐसा कॉन्सेप्ट आज से पहले किसी ने नहीं उठाया है कि कोई इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात भी करे, सो आई रियली लव्ड इट। अभी हम लोगों ने देखी है कागज़ 2, जो कि अनुपम खेर और सतीश कौशिक जी की फिल्म है, बहुत कमाल की फिल्म थी, और कमाल की फिल्म ये इसलिए भी बनती है क्योंकि सतीश कौशिक जी की है लास्ट फिल्म, और लास्ट फिल्म हमेशा देखने का सफ़र बहुत अच्छा होता है, तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था। और कागज़ 1 जो है आई थिंक हम लोगों ने पहले देखी थी, ZOTT पे आई थी, और कागज़ 2 जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कागज़ 2 है और बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था, अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे मूवी के? हाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा भाई, ये सतीश कौशिक जी की लास्ट फिल्म है, उनके 40 करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस लगी मुझे ये वाली जो थी, और आई थिंक उनकी ये काफ़ी अच्छी फिल्म है, और साथ ही साथ अनुपम खेर सर की जो है ये 542 है, 562 फिल्म है, तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था, जैसा भी था बहुत किरदार था, बहुत इमोशनल थी, फैमिली फिल्म है, और आप सभी फैमिली वालों से रिक्वेस्ट है कि सतीश कौशिक जी की याद में जो है ये फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि जो 70s, 80s और 60s के किरदार हैं, मतलब किरदार मतलब ऑडियंस हैं, उनको फिल्म जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि वो सारे ही लोग जो है सतीश कौशिक जी के फैन रहे हैं, क्योंकि 32 साल उन्हें जो है फिल्म इंडस्ट्री हो गया, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को जरूर आके बॉलीवुड मतलब सिनेमा घरों में देखें। मूवी में टॉपिक बताया गया उसके बारे में कहेंगे? टॉपिक बहुत कॉमन है, बहुत मतलब घिसा पेटा टॉपिक है, टॉपिक पे ध्यान मत दो, टॉपिक को उठाया जिस तरीके से गया वो बहुत अमेजिंग था, और हर जो है जो आसपास के लोग रहते हैं समाज में ऐसे टॉपिक अक्सर उठते रहने चाहिए, जागरूकता मिलती है कि एक नेता की रैली से किसी की जान जा सकती है, और आज भी ऐसा होता है, कितने रैलियाँ होती हैं, कुछ प्रदर्शन जो चल रहे होते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, उनके चक्कर में कितने लोग पीछे, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, ये शायद हम लोग ही जानते हैं जब हम डेली उस जगह से जो है ट्रैवल करते हैं। कितने स्टार्स? ऑफ कोर्स 4। काफी रिलेवेंट है रियल लाइफ से, एक्टिंग इसकी बढ़िया लगी, एक्टिंग तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सोचने वाला कॉन्सेप्ट है, और जो सतीश कौशिक और अनुपम खेर थे, नहीं अनुपम खेर की ज़्यादा अच्छी थी, नाम भूल रहा था मैं, अनुपम खेर की ज़्यादा अच्छी थी, अच्छी अच्छी सतीश कौशिक की भी अच्छी थी, पर अनुपम खेर की भी अच्छी लगी मेरे को ज़्यादा। टॉपिक कैसा लगा? टॉपिक वही तो कह रहा हूँ, टॉपिक बहुत अच्छा लगा था। कितने स्टार देना चाहिए? 5 देता दिए। रिव्यू बताना चाहिए कैसी लगी? रिव्यू तो ये मतलब जितनी ऑडियंस होनी चाहिए थी इस मूवी के लिए उतनी नहीं है, मतलब होनी चाहिए, हमें संवेदनशील तो होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि ऐसी मूवीज़ देखने के लिए आना चाहिए यूथ को, पर है ही नहीं यहाँ पे। और अभी वो थी दूसरी मूवी कौन सी लग रही थी, तेरी बातों में, उसमें खूब थी ऑडियंस ऐसी बात, पर इसमें नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। बस इतना। कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी मूवी थी। मैसेज? काफ़ी अच्छा मैसेज दिया गया है कि लोगों को अपने मतलब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कभी भी नॉर्मल लोगों के लिए रास्ता है। हाँ, एक्टिंग
उसकी बढ़िया लगी, दोनों की कंपैरिजन करें? दोनों की अच्छी थी बट मुझे पर्सनली अनुपम खेर ज़्यादा पसंद है। आपको अनुपम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी यार, पहले बता देते हैं मेकअप करके आ जाते हैं। टॉपिक कैसा लगा मूवी का? जो मूवी का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्टिंग किसकी बढ़िया लगी? एक्टिंग जो लड़की का फादर है ना उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ऑसम है। कितने स्टार? मेरे हिसाब से तो पूरे 5 स्टार, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब नहीं बच पाएंगे। मेरे तरफ से 3.5 स्टार्स।